देखिए, जो छापेमारी हो रही है वो एक अलग अपना ईडी सीबीआई के एक अलग संस्था है, उसका काम ही यही है कि जहां भी उनको एप्लीकेशन मिलती है उनके खिलाफ जांच में वो सब जाते हैं। अगर सही हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अगर दोषी हैं तो भाई विभाग अपना काम कर रहा है, तो दोषी पाया होगा तुमने गिरफ्तार किया है, तो अब आगे अपना जो सही साबूत है, जो कि अगर सही है तो फिर कोर्ट में अपना वकील करके बरी हूं। विपक्ष लगातार ये बात कह रहा है, वो हमेशा ईडी और सीबीआई के ऊपर ही तंज कसते थे कि केंद्र जो है इसे अपनी गलत तरीके से इस्तेमाल करती है, लोगों के दबाव बनाने के लिए, विपक्ष पे दबाव बनाने के लिए इसे इस्तेमाल करती है। भाई जितने विपक्ष के लोग हैं सब ईडी सीबीआई से डरते हैं, अगर ईमानदार हैं, कुछ नहीं है, साफ छवि के लोग हैं तो डर क्यों रहे हैं? ओम प्रकाश राजभर भी तो है, ये तो नहीं डर रहा है, हम तो कह रहे हैं कि ईडी सीबीआई हमरो यहां आई जाए। जब हमारे पास कुछ नहीं है, हम साफ सुथरे व्यक्ति हैं, तो फिर डर किस बात की लोगों को है? कोई ना कोई मामला है तब ना ईडी सीबीआई गिरफ्तार कर रही है, खाली उन्हीं लोगों को गिरफ्तार कर रही है। 140 करोड़ आबादी है ना देश में, तो चुनिंदा लोगों के पास ही तो क्यों जा रही है? कहीं ना कहीं कोई बात है। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर माननीय संजय सिंह जी अपना साफ सुथरे हैं तो न्यायालय है, न्यायालय में अपने वकील करके जवाब दें, बरी हो जाएंगे।